हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ, आपका नैना के चैनल में स्वागत है। नैना का तो नाम नहीं है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी के चैनल में स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग को वीडियो समझ में नहीं आती है, वीडियो अच्छी नहीं लगती, ना ही लाइक आते हैं, ना ही आप मीन्स कुछ तो यार। चलिए जाने दीजिए। जैसे कि कमेंट में पूछा गया है कि ऑयली स्किन के लिए क्या करना चाहिए। जैसे आप सबको मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा ड्राई है, मैं ज़्यादा मतलब मीन्स वही यूज़ करती हूँ अभी, जो कि बस एक ऐसी लाइट से मेकअप किया हुआ है। मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि ये मत सोचिएगा कि ऐसा कुछ मिल जाए कि स्किन ही चेंज हो जाए। मीन्स आप हो जैसे मतलब आप हो, लेकिन फिर बन जाइए माधुरी दीक्षित या मतलब कोई भी सेलिब्रिटी बन जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो आपकी स्किन होती है, चाहे आप जितना महंगा भी कुछ भी लगा लीजिए, वो स्किन वैसी ही रहती है। 19-20 ये होता है कि आप कभी भी अजमा के देखिए कि आप कुछ भी मत लगाइए, लेकिन सोने से पहले फेस वॉश करके सोइए तो स्किन आपके खुद ही इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। जो लोग इतनी महंगी महंगी चीज़ें लगाते हैं, कुछ भी लगाइए, इसका असर ना आगे चल के होता है। जैसे मैं अपनी दादी माँ से और नानी माँ से बहुत कुछ सीखी हुई हूँ, मैं आपको ये पिक्चर भी दिखाऊंगी कभी उनकी। पहले ज़माने में जैसे आप सबको पता है कि ज़्यादा कुछ लोग नहीं यूज़ करते थे, या तो मुल्तानी मिट्टी हो गई, या तो मतलब घर की ही चीज़ें, वैसा दिखता तो कोई उसको कुछ करता नहीं था, तो फिर भी उनकी स्किन आज देखो बहुत अच्छी है। हम लोग ये बेवकूफ़ी कर देते हैं कि आए दिन हम लोग के अंदर एक जोश आ जाता है कि हाँ, हमें इसकी तरह दिखना है, या इसकी स्किन काफ़ी अच्छी है, या हाँ बहुत चमक है, जापानी को देख लो, चाइनीज़ लोगों को देख लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी स्किन है वही स्किन रहने वाली है आपकी। आप चाहे जितना महंगा प्रोडक्ट कुछ भी लगा लीजिए, जो खुदा ने भेजा है ना उसी में खुश रहना चाहिए वैसे तो, क्योंकि फीचर्स अच्छे हो, आपका नेचर अच्छा हो तो स्किन तो वैसे भी आप बहुत खूबसूरत लगोगे। अब ये आवाज़ आने लगी क्योंकि यहाँ काम चल रहा है, जैसे मैं बता चुकी हूँ 5 मिनट। आप लोग यकीन नहीं करने, आई नो नहीं मानोगे, लेकिन मैं कभी भी कुछ भी चीज़ नहीं लगाती हूँ अपने फेस पे। हाँ, आप वीडियो बनाने के लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच बोलूँगी, झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं होता है। और मुझे वैसे भी नहीं मतलब मीन्स अपना चैनल आगे करने के लिए मुझे बहुत कुछ मतलब फेक चीज़ें बताऊँ या बहुत ऐसी चीज़ें बताऊँ जो आप लोगों के लिए भी सही ना हो, झूठ हो, जो कि नहीं होने वाली, तो मैं अपना चैनल इस तरह से भी नहीं आगे लेके जाने वाली। आवाज़ पर ध्यान मत दीजिए, ये काम चल रहा है उसकी आवाज़ें हैं। मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि देखिए, जो नेचुरल जो चीज़ें होती है ना, उसी चीज़ को यूज़ कीजिए आप। तो जैसे कि हम जो खाते हैं, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि बोला जाता है जो खाते हैं उसका फेस पे बहुत ज़्यादा, फेस पे क्या आपके भी खुद पे बहुत इम्प्रूवमेंट दिखता है। तो यस, हाँ वो तो है। आप जब भी टमाटर सब्जी कुछ भी बनाते हो तो टमाटर को यूज़ ही, जैसे मैं घिस के बनाती हूँ, तो जो घिस के हम बनाते हैं तो देखते होंगे टमाटर के जो बच जाता है उसको आप अपने फेस पे स्क्रब किया कीजिए। मैं ऑयली स्किन के लिए बता रही हूँ, वैसे ऑयली हो चाहे ड्राई हो कोई भी कीजिए, क्योंकि टमाटर हमारे ब्लीच का काम करता है। जैसे आपको पता होगा कि झाइयों के लिए भी अच्छा होता है, वो यूज़ कीजिए। प्लस नींबू यूज़ कीजिए, नींबू ऐसे मत यूज़ कीजिए क्योंकि स्किन जलन होने का भी मतलब रिस्क है, और स्किन का भी बहुत यार देखो, फेस की स्किन के लिए कोई भी हमें कुछ रिस्क नहीं लेना चाहिए, कि फेस की स्किन हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और सेंसिटिव होती है। मैं आप लोगों को यही मतलब बताऊंगी कि नींबू लीजिए, उसमें कुछ भी कोई भी चीज़ आप फेस पैक लगाते हैं उसमें हल्का सा नींबू की कुछ बूंदें मिला लीजिए और लगाइए। मैं कोई वैसी बातें नहीं बताऊंगी फेक, जो चीज़ नहीं होने वाली है, क्योंकि वो चीज़ बता के भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्या आप लोग भी यही सोचोगे कि ऐसा भी क्या बताया जो चीज़ नहीं होती है? आवाज़ भी होने लगी है तो क्या करें, चुप हो जाएगी, बताएं। नींबू भी एक ऑयली स्किन के लिए ना हनी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। हनी को आप कोई भी फेस पैक लगाते हैं आप, उसको हनी को मिला लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। जैसे मैं बता चुकी कि मुल्तानी मिट्टी भी बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। आप तो फेस में वही बोल रहे हैं, देखिए 3 चीज़ आप लेके चलिए जो भी।
तीन चार चीज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमें अपने जो भी फेस पैक हो उसमें यूज़ करनी ही चाहिए। जैसे कि हमारे घर में टमाटर बहुत होते हैं, उसका जूस ले लीजिए, नींबू हनी हनी में शहद ले लीजिए, ये ऑयली स्किन के बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप आटे का भी पेस्ट मतलब बना के उसको फेस पैक में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी मतलब है, लेकिन काफ़ी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि काफ़ी चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बस कुछ ही ये जो चीज़ें मैंने बताई है ये चीज़ आप कीजिएगा, आपके फेस पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और जी हाँ, एक और जी बात है ये कि जैसे कि ब्लैक हेड्स बहुत हो जाते हैं लोगों के, आई थी अभी तो मैं नहीं है तो मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ। सबसे एक चीज़ बता दूँ, ध्यान ये दीजिएगा, कहीं पे आप फेसियल लेने जाते हैं, आप कहीं भी जाते हो तो वो लोग पिन यूज़ कर देती हैं अपने नोज़ पे, वो मत कभी करवाइएगा क्योंकि अगर वो एक एक भी दिन मतलब वो यूज़ हो गया जैसे आपके फेस पे, तो अगर आपके ब्लैक हेड्स नहीं भी होंगे ना तो वो ब्लैक हेड्स मतलब हो जाते हैं, कील सी हो जाती है कुछ, तो वो मत कभी करवाइएगा। और नेचुरल चीज़ें ही यूज़ कीजिए, जैसे मैं बता देती हूँ, मैं कभी भी मूड होती हूँ फेस वॉश करती हूँ या नहाती हूँ कभी भी, जो टॉवल होती है ना जिससे हम फेस साफ क्लीन करते हैं, उसको हल्का सा उसका कोना लीजिए, उसको फेस नोज़ पे ना ऐसे है मतलब हल्के हल्के हाथों से, मैं कैसे बताऊँ अभी, वेट अप, हाँ जी आ गई मैं। तो मैं जैसे बताई थी, जैसे ये लिया मैंने फेस अपना, जब हम पोछते हैं, अब कैसे पोछते हो मुझे नहीं पता, आप लोग ऐसे पोछते हो कि धीमे धीमे टैप टैप करके पोछते हो, पर जैसे भी मतलब पोछते हो वेट अप महसूस होता है कि बस इसी से कर लीजिए। सो हाँ, मैं कहाँ थी, आप कभी भी अपना फेस वॉश भी करके आते कभी भी, तो आप ऐसे 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 मतलब कैसे भी पोछते हो ऐसे पोछते, लेकिन कभी कस के मत पोछना। तो जो फेस हम जब पोछते तो पोछने से पहले पानी ना सूख पाए, जब पानी फेस पे होता है तो आप कोना लीजिए, कोना ही मत लीजिए जैसे आप ऐसे हो, तो इससे ना हल्के ऐसे हाथ हल्के हाथों से बस रफ कीजिए ऐसे ऐसे। एक दिन नहीं बोल रही हूँ मैं, जब भी आप आए फेस लोगे ना कि कभी भी आए, आप हमेशा कीजिए ये चीज़, देखिएगा आप कभी अजमा के देखिएगा, आपके फेस नोज़ एकदम मतलब काफ़ी अच्छी लगेगी कि चमक भी आएगी, शाइन भी होगी बिल्कुल भी, कभी भी कहीं भी आपको ब्लैक हेड्स का कुछ भी कभी भी नहीं मतलब महसूस होगा कि हाँ हुआ भी है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताऊँगी, जो मीठा सोंडा होता है जो हम अधिकतर छोला जब बनाते हैं उबालते तो उसमें एक चम्मच आधा चम्मच तो पाउडर मिलाते हैं, उसका क्या यूज़ कीजिए, आप गुनगुना पानी लीजिए, अपने फिंगर को उसमें भिगोइए, अपने फिंगर से कोई भी फिंगर से लीजिए, अब हल्के हाथों से उसको मसाज कीजिए, काफ़ी तेज मत कीजिएगा सोंडा को क्योंकि वो नमक जैसा होता है, कि छिलने का भी रिस्क है, हल्के हाथों से उसे कीजिए, भाई ये दो चीज़ कीजिए आप, मैं सच्ची बोल रही हूँ, आप बस ये दो चीज़ कीजिए, आपको कभी भी ना नोज़ की तो दिक्कत नहीं आने वाली कि मुझे कील्स हो गई है या मुझे ब्लैक हेड्स हो गई, ये कभी भी आपको नहीं दिक्कत आने वाली है। ये चीज़ आप फॉलो करके देखिएगा, फिर मुझे कमेंट में पक्का बताइएगा। और स्किन की जैसे मैंने तीन चार चीज़ बताई है वो भी पक्का कीजिएगा, कभी भी किसी के कहने पर मत आइएगा कि ये महंगी चीज़ लीजिए या ये फेस वॉश लीजिए या फिर आप ये मतलब सनस्क्रीन लगाइए, इतने की इतने की है। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूँ, चीज़ें अच्छी होती है, महंगी होती है, काम भी कभी करती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती है, वो कुछ चीज़ जब तक आप यूज़ करोगे ना तब तक ही वो आपके काम आने वाली है, उसके बाद नहीं आने वाली। ये जो आप नॉर्मल चीज कॉमन चीज़ें सभी को, सो ये कुछ टिप्स थे जो कि आई होप आप सब फॉलो करने वाले हो उसको, क्योंकि ये सभी टिप्स फ़ायदे के हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप कोई चीज़ मत लीजिए, लीजिए परचेज कीजिए आप उस चीज़ को, लेकिन बस वो होता है ना कि यह पैसा मतलब फालतू का पैसा आपका जाएगा, तो आप सबसे अच्छा अपने घर की चीज़ें यूज़ कीजिए, इसमें आपको कोई मन में वहम भी नहीं होगा यार कि इसमें कोई केमिकल तो नहीं है, कि अगर हमने ये यूज़ किया तो हमारे फेस में कुछ और ना आ जाए हो जाए तो, क्योंकि घर की चीज़ें कभी नुकसान नहीं देने वाली फेस पे, जो कि हमारे पहले के लोग तो आप सबको जैसे अधिकतर पता ही होगा कि केवल मुल्तानी मिट्टी से ही नहाना पसंद करते थे, वो फालतू का जो सो अभी के तो काफ़ी कुछ आ गया है, शैम्पू है अधिक आप लोगों ने देखा होगा, वो तो अपना बाल भी जो मुल्तानी मिट्टी के
आते थे, साबुन जैसे होते थे, उसी से ही धोते थे, उसी से ही नहाते थे। तो बस आज उनको देख लीजिए, ना कभी फेस पे झाइयों की दिक्कत है उन लोगों को, ना बाल भी अच्छे खासे हैं, सेहत भी अच्छी खासी है। हम लोगों का ये दिक्कत आ गई ना कि हम लोग ना क्या देखते हैं, हम लोग पहले की चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ अभी आने वाली है, या हम किसी का सुन लेते हैं कि ये यूज़ करती है तो इसका स्किन ऐसा है या इसके बाल ऐसे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता यार, ये अपनी अपनी सोच होती है। आपको जो आपके फेस पे या आपके बालों को या आपके बॉडी को जो सूट मतलब करेगा वही आपको यूज़ मतलब करना चाहिए। तो अब आगे तो ऑरेंज आते हैं, उसके छिलकों को कभी आप ना फेंकिए मत, उसको सुखा लीजिए, पीस लीजिए। उसका भी ना काफ़ी यूज़ है, आप लोगों ने देखा होगा, वो भी काफ़ी यूज़ में आता है, उसके भी फ़ायदे बहुत होते हैं। ऑयली स्किन के लिए तो देखिए कुछ ही चीज़ें होती जो ये सब चीज़ के लिए फ़ायदा है। अगर मैं ऑयली स्किन का आप लोग मेकअप भी चाहोगे तो मैं वो भी दिखाऊंगी कि मेकअप कैसे करना चाहिए, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं कुछ मतलब वैसी चीज़ें बताऊँ। मतलब मैं मुझे बताऊँ सबसे ज़्यादा क्या बता दूँ, मुझे फेकों पे ना, फेक चीज़ों पे बिल्कुल यकीन नहीं है, जो खुद का है ना उस पे यकीन है। खुद का मीन्स अपने घर की चीज़ों पे यकीन है मुझे, नेचुरल चीज़ों पे यकीन है मुझे, बनावटी चीज़ों पे यकीन नहीं है। तो बस आज का वीडियो इतना ही आप लोगों के लिए। मैं ऐसे ही कुछ, अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ टिप्स दूँ तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए टिप्स लेके आती जाऊंगी वीडियो को। बस वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका एक लाइक काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी मोटिवेट करता है। सो थैंक यू सो मच। एक हाँ, एक और चीज़ में मुझे बतानी है कि बहुत जल्दी मीन्स कल तक सावन का एक वीडियो आने वाला है कि कैसे हमें सावन में वीडियो मेकअप करना है और कैसे नहीं करना है। जो न्यू मतलब जिसकी शादी, जैसे मैं अभी एक ही साल हुआ है, तो सावन में कैसे हमें अपने आप को मैनेज, अपने आप को खूबसूरत दिखाना है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो चलिए वेट कीजिए आने वाला है वीडियो। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मुझे इतना 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 सपोर्ट करने के लिए। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उनके लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद, बाय।